हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की। यहाँ पे हम आपके कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट जो है उनके डाउट इजी एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो अलग अलग स्टेट बोर्ड एंड एनसीईआरटी के सिलेबस में भी कवर अप है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में चेंजेस। चेंजेस इन व्हाट? चेंजेस इन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप डीड रहता है, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस आता है, देन देर इज अ चेंज इन द रिलेशन। रिलेशन चेंज हो जाता है, रिलेशनशिप चेंज हो जाता है बिटवीन पार्टनर्स। देन वी कॉल इट एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये चेंजेस किस किस कारण होते हैं? हम जब चेंजेस की बात करते हैं तो ये चेंजेस किस कारण के वजह से हो सकते हैं, या रिलेशनशिप किस कारण के वजह से चेंज हो सकते हैं? आइदर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अज्यूम करो कि दो पार्टनर्स है बिजनेस में, शेयर कर रहे हैं 50-50 बेसिस पे। ठीक है, दैट इज नथिंग बट 1:1। अब ये लोग चेंज करना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। इट चेंजेस टू 2:3 या 1:2। देन यहां पे अगर आप देखोगे तो देर इज अ चेंज इन द रिलेशन, देर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन वी कॉल इट एज चेंजेस ड्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ओके, तो हम लोग ने पहले देखा था कि देर इज अ चेंज इन द रिलेशन ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन द पार्टनर्स। बट उसके अलावा पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज होने के कारण और भी होते हैं, जैसे कि देयर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसके कारण भी पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज होता है। हम आगे वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर हम इन तीन टॉपिक की थियोरीज प्लस प्रैक्टिकल भी अपलोड करेंगे। सो प्लीज गाइस। ओके, तो जैसे हम लोग ने पहले देखा कि देयर इज अ चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स ड्यू टू द चेंज इन द एग्रीमेंट। द रीजंस कैन बी चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर। उसमें से आज हम लोग ये टॉपिक कवर अप करेंगे, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिलेटेड। अब अज्यूम करो देयर इज अ पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। ये लोग अपना बिजनेस चला रहे, अच्छे से बिजनेस चल रहा है। दे आर अर्निंग इन टू द ट्यून ऑफ, अज्यूम करो 50,000 रुपीज। अब ऑफकोर्स ही बात है, कोई भी बिजनेसमैन को क्या होगा कि अपना बिजनेस बड़ा करने का, एक्सपांड करने का। इनका एक फ्रेंड है मिस्टर सी, जिनके पास अच्छे खासे पैसे है, अमीर है, ही कैन गिव अ फाइनेंस टू द फर्म। सो ए एंड बी मिस्टर सी के पास जाते हैं सेइंग दैट कि क्या आप हमारे बिजनेस में एंटर हो गए एज अ पार्टनर। मिस्टर सी एग्रीड हो जाते हैं और वो मिस्टर सी मिस्टर ए एंड बी के फॉर्म में अपना पार्टनरशिप चालू करते हैं। तो अब पार्टनर हो जाएंगे 3, दैट इज ए बी एंड सी। अगर कोई भी बिजनेस में कोई पर्सन एंटर होता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट, गिविंग कैपिटल, गिविंग गुडविल,
इस प्रोसेस को हम लोग नाम करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। इसके कारण मिस्टर सी जब आते हैं बिजनेस में तो ए एंड बी का रिलेशन चेंज होता है, इनके जो पार्टनरशिप डीड है वो भी चेंज हो जाएगी। देन वी हैव टू ड्राफ्ट अ न्यू पार्टनरशिप डीड विथ रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी एंड गेट इट रजिस्टर्ड। जब ए बी सी बिजनेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं सो ऑफकोर्स ये बात है, देर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड टीच यू हाउ यू हैव टू फाइंड आउट न्यू PSR। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है, और एक इम्पॉर्टेंट टिप भी दूंगा जो आपको हेल्प करेगा न्यू PSR फाइंड आउट करने में इन सिंपल एंड ईजी वे में। सो प्लीज गाइज, लुक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।